क्लास 12th इंग्लिश मीडियम में आपका टॉपिक 3 है। टॉपिक 3 में आपका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया गया। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हो या नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हो, ठीक है, इसके चारों ओर इसके अराउंड एक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। और ये फील्ड वो होता है, अगर इस फील्ड में कोई अदर चार्ज पार्टिकल आ जाए तो इन दोनों के बीच में आपको इलेक्ट्रिक फोर्स कर जाएगा, फीलिंग हो जाएगी, यानी कि उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स जो है प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो फील्ड हो गई, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। आई हैव इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ द फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन क्या होती है, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन जो एक तरह की इमेजिनरी जो है हमारी कर्व होती है, ठीक है, वो इस तरह से होती है कि मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, अगर हम निगेटिव चार्ज पार्टिकल को यहाँ रखें या यहाँ रख दें या यहाँ रख दें, ठीक है, तो निगेटिव चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव की ओर क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में अट्रैक्ट होगा तो वो अगर हम लाइन खींच दें तो हमारी मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हो जाएगी, ठीक है। ऐसे निगेटिव के लिए क्या, अगर कोई चार्ज पार्टिकल प्लस रखते हैं तो एक मिनट रुकिए आप जरा सर, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो इसमें अगर हम कोई निगेटिव रख देंगे तो वो जिस तरफ जाएगा, ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है कि वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं प्लस से दूर जाएंगी और माइनस की ओर आएंगी। प्लस से कहाँ जाती हैं, दूर जाती हैं, और माइनस से ओर आती हैं। बाकी इसमें आप पढ़ लेंगे, इन द फिगर फोर्थ लाइन हैव बीन ड्रॉन विद अ पॉजिटिव चार्ज स्पेयर इज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, देन अदर पॉजिटिव चार्ज इज लेफ्ट इन दिस स्पेयर, ठीक है। मतलब अगर हम कोई पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो वो उस पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा, ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में लगाएगा वो हमारी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन को डिनोट करेगा। इस तरीके से अगर पॉजिटिव चार्ज को अगर हम यहाँ रख देंगे तो वो निगेटिव थोड़ा अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपका जो है इस तरह से हम कह सकते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं जो होंगी, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन जो होंगी, प्लस से दूर जाएंगी माइनस की ओर आएंगी। ये याद रखना, इसको बहुत यूज़ होगा। अब आ जाइए, अगर दो समान आवेश रखते हैं तो फोर्स लाइन इस तरह से, फोर्स लाइन की डायरेक्शन ऐसे चेंज हो जाती है कि बीच में जो है ये फोर्स लाइन नहीं आ पाती है, जिस तरह से इनके बीच का जो है एरिया तो न्यूट्रल हो जाता है, न्यूट्रल फील्ड हो जाती है, तो उस पर जो है कोई बल नहीं लगता, ये एक दूसरे को दूर कर देते हैं। अब आ जाइए आपका इलेक्ट्रिक फीचर्स ऑफ द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इनके क्या क्या बातें हैं इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन ऑफ फोर्स में। तो देखिए ये देखा जाए कि आपका एक पॉजिटिव नेगेटिव है पार्टिकल है जो कि प्लस से दूर जा रही है, माइनस की ओर जो है फोर्स लाइन आ रही है। तो पहला नियम यही है कि चुंबकीय बल रेखाएँ, सॉरी वैद्युत बल रेखाएँ, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन वो पॉजिटिव से नेगेटिव तक जाती हैं, फिर नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव तक जाती हैं। दूसरा नियम ये है कि इनके किसी भी पॉइंट पर, यानी कि ये जो आपका जो फोर्स है, जो फोर्स लाइन है, किसी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो उस पॉइंट पर वो डायरेक्शन को शो करता है। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट है कि ये जितनी फोर्स लाइन एक दूसरे को कट नहीं करती हैं, एक दूसरे को कट नहीं करती हैं, क्यों, क्योंकि एक पॉइंट पर, जैसे अगर मान लो एक दूसरे को कट कर रही होती तो एक पॉइंट पर एक डायरेक्शन नहीं जाती, एक डायरेक्शन नहीं जाती, तो एक ही बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की, एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो ये आपके पॉइंट्स पढ़ लीजिएगा। अब आया इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब यहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल है, इसके अराउंड हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस है, ठीक है, इसके एक पॉइंट ए पर हम कोई एक टेस्टिंग कोई हम चार्ज ले आते हैं, तो इस पर जितना फोर्स लगता है, यूनिट टेस्ट चार्ज पार्टिकल में जितना फोर्स लगता है, तो उस फोर्स को उस पॉइंट की इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब जैसे मान लो ये चार्ज अगर यहाँ बी पॉइंट पर चला जाता है तो यहाँ पर उस पर फोर्स थोड़ा, क्योंकि दूर जा रहा है तो उस पर फोर्स कम लगेगा, करीब आएगा तो फोर्स का ज़्यादा लगेगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि चार्ज पार्टिकल के करीब के पॉइंट की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, दूर की जो इंटेंसिटी कम होती है। इज इक्वल टू एफ अपॉन ओ, ठीक है, एफ जो है फोर्स क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स है, और क्यू नॉट जो है चार्ज ऑफ द टेस्टिंग, आपका जो है टेस्ट चार्ज ऑफ द टेस्ट चार्ज पार्टिकल है। अब आ जाइए डायरेक्शन ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए डायरेक्शन ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जिसे आप देखिए ये जो है एक प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, इसके में एक इससे अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, तो हमने बी पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज रखते हैं,
तो टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है, ठीक है। जब पॉजिटिव पॉजिटिव पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा तो जिस डायरेक्शन में इसकी यानी कि जिस डायरेक्शन में जाएगा वही डायरेक्शन जो इसकी जो है इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। ऐसे ही आपका अगर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज में दूर जा रही, देखिए नेगेटिव चार्ज आपका इसके अराउंड मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस है, तो पॉइंट बी पर हमने टेस्ट चार्ज रख दिया, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो अट्रैक्शन फोर्स की लाइन जो डायरेक्शन की जाएगी वो इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अब आया इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। देखिए ये पॉइंट चार्ज हमारा पॉजिटिव है, इससे आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, इस पर हमने एक टेस्ट चार्ज रख दिया है, तो यहाँ पर हमें इंटेंसिटी निकालनी है। तो इज इक्वल टू हमने पढ़ा था होता है एफ अपॉन क्यू नॉट, तो पहले एफ निकाल लें दोनों के बीच लगने वाला बल, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स, तो होता है आपका 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू द एफ अपॉन Q0, Q0 से Q0 ही कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर आ गया। के आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, और जब वैक्यूम हो जाएगा तो वैक्यूम के लिए के इज इक्वल टू 1 होता है, तो हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। अब आता है एक चार्ज पार्टिकल आपका जो है ए है, एक चार्ज पार्टिकल आपका बी, एक चार्ज पार्टिकल आपका सी है, इस पॉइंट पर हमें इनकी वजह से तीनों की ड्यू टू द तीनों चार पार्टिकल से जो है हम यहाँ पर टोटल इंटेंसिटी निकालनी होती है, तो इज इक्वल टू हमारा होगा E1, E2+E3+E4, ठीक है, हम उनको सबको जोड़ देंगे वेक्टर प्रोसेस से, तो हमारी टोटल इंटेंसिटी आ जाएगी, न्यूमेरिकल में आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब आपको नेक्स्ट टर्म पर इलेक्ट्रिक डाइपोल आपको नेक्स्ट टर्म पर पढ़ाएंगे, और ये चैप्टर जो आपका नेक्स्ट टर्म पर कम्प्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर आपको न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे।